आज हम लोग एरे और पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एरे में पॉइंटर का यूज कैसे कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू हम लोग एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग नॉर्मली एक एरे बनाएंगे और उसके एड्रेस को प्रिंट कराएंगे विदाउट यूजिंग पॉइंटर। और उसके बाद सेम काम हम लोग पॉइंटर का यूज करके करेंगे, दोनों प्रोग्राम का आउटपुट सेम होगा, जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है ये एक सिंपल प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग बस एरे का एड्रेस प्रिंट कराएंगे विदाउट यूजिंग पॉइंटर। तो एरे कैसा है हमारा, एरे इंटीजर टाइप का है, जिसका नाम ARRA है और इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा ये इंट आई एक लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग को फॉर लूप यूज करना पड़ता है, तो वही फॉर लूप के लिए हम लोग ये आई लिए हैं। इंटीजर टाइप का है, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 6, आई प्लस प्लस। हम लोग तीन चीज प्रिंट करा रहे हैं, इंडेक्स, वैल्यू और एड्रेस। इंडेक्स में क्या है, परसेंट ऑफ डी है, और इसके लिए परसेंट ऑफ डी मतलब इंटीजर टाइप का है, और इसके लिए आर्ग्यूमेंट जो है वो आई है। आई का मतलब यही वाला आई, 0 1 2 3 4 जो भी होगा आई का वैल्यू, वो डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्स के अंदर प्रिंट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, वैल्यू भी परसेंट ऑफ डी है, इंटीजर है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू के लिए आर्ग्यूमेंट क्या है, एरे आई, एरे ARRI का मतलब क्या हुआ कि एरे के इंडेक्स में जो वैल्यू, जीरो नंबर इंडेक्स में, मतलब कि एरे के अगर आई का वैल्यू जीरो है सपोज, तो एरे जीरो में जो वैल्यू होगा, एरे इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे। मतलब कि जीरो के लिए अगर प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट होगा, और अगर यहाँ पे 1 होगा तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग एड्रेस प्रिंट करेंगे। थर्ड, एड्रेस इज इक्वल टू परसेंट ऑफ पी, परसेंट ऑफ पी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किसके लिए है, पॉइंटर के लिए, एड्रेस के लिए। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे किए हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कराएंगे, और एड्रेस के लिए जो हम लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट दिए हैं M% array i, M% क्या करता है, हम लोग को हमेशा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। तो एरे M% ऑफ array i का क्या मतलब हुआ, i का अगर वैल्यू जीरो है तो M% ऑफ एरे जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो नंबर इंडेक्स का एलिमेंट और उसका M% मतलब उसका एड्रेस, और प्रिंट कैसे करना है, एड्रेस के साथ प्रिंट करना है। ठीक, तो पहला बार जब लूप, पहले इसका आउटपुट आप लोग देख लीजिए, ये वाला फॉर लूप रन हुआ, इसका आउटपुट जो है ये है। कैसे, पहला बार जब लूप रन हुआ, फॉर लूप पहली बार रन हुआ, तो क्या होगा, सब जीरो नंबर इंडेक्स, यहाँ पे आई का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये वाला जीरो। इसका इस इंडेक्स का वैल्यू क्या है, एरे जीरो का वैल्यू क्या है, एरे जीरो का जो वैल्यू है मेरा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है एरे जीरो का M% एरे जीरो का एड्रेस बोल रहा है, तो एड्रेस हम लोग यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो गया। इसी तरह दूसरी बार लूप हुआ, तीसरी बार लूप हुआ, और इस तरह से करते करते मेरा पूरा लूप रन, पूरा एरे प्रिंट हो गया और सबका एड्रेस प्रिंट हुआ विदाउट यूजिंग पॉइंटर। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कुछ कुछ देख समझने वाली बात है। एक बात यह है कि दोनों के जो ए के बाद सी आया, सी के बाद ई आया, ई के बाद जीरो, जीरो के बाद 2, 2 के बाद 4 एड्रेस में, तो कितना का डिफरेंस हो गया, 2 बाइट का डिफरेंस है। अब 2 बाइट का डिफरेंस क्यों है इसमें, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे है, इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। वैसे जरूरी नहीं है कि सब में 2 बाइट हो, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कौन सा, लेकिन यहाँ पे 2 बाइट है, 0 से 2, 2 से 4 इंटीजर टाइप का एरे है। अच्छा, स्टोर कैसे करा, कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर कर रहा है कंटिन्यूअसली, एक को ए में किया, एक के बाद 2 बाइट का डिफरेंस हुआ, तो एक उसके बाद तुरंत बगल में ही 3 सी, दूसरे को सी में किया, तीसरे को ई में किया, फिर 0 में किया, फिर 2 में किया, फिर 4 में किया, 2 का डिफरेंस है। यानी 2 तो इन 2 जो होता है वो तो इंटीजर के लिए स्टोर के लिए होता है ना, इंटीजर स्टोरिंग के लिए 2 बाइट मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि सारा एलिमेंट जो है वो कंसेक्यूटिव स्टोर होता है एरे में। तो हम लोग ये देखेंगे, देखिए यही वाला एरे है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, सबका एड्रेस लिखा हुआ है, सबका इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक, इफ वी कंसीडर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 बाइट्स बिटवीन एलिमेंट्स बिकॉज दिस इज द साइज ऑफ एन इंटीजर, इंटीजर के साइज का डिफरेंस है, 2 बाइट का 2 बाइट ये ले लिया, फिर 2 बाइट, और सब लाइन से स्टोर हुआ, ये भी बात है, ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी, बस मेमोरी लोकेशन में लगातार स्टोर होता है, तो इसको एक्सेस करना हम लोग को इजी होता है, क्योंकि लगातार स्टोर होता है, तो एक बार हम लोग को बेस एड्रेस मिल जाए तो उसके बाद आगे आगे बढ़ के हम लोग नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ वाले एड्रेस में हम लोग प्लस
प्लस वन कर देंगे तो हम लोग दो, क्योंकि प्लस वन पॉइंटर अर्थमेटिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लस वन करने से ये जिसका पॉइंटर होगा उसी डेटा टाइप से वो आगे बढ़ेगा। अगर ये पॉइंटर इंटीजर का है ना तो ये दो बाइट से आगे बढ़ेगा, पॉइंटर प्लस टू ये दो बाइट से एड्रेस में आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगा ना। फिर हम लोग फिर से इसमें प्लस टू कर देंगे तो ये वाला एक्सेस हो जाएगा, फिर से प्लस टू कर देंगे तो ये वाला एक्सेस हो जाएगा, फिर से प्लस टू नहीं, फिर से प्लस टू, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव करेंगे, इस तरह से ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यही वाला प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम पॉइंटर से करके देखेंगे एक बार। तो पॉइंटर से करने के लिए हम लोग एरे भी सेम ही लिए, सब कुछ सेम है, बस एक पॉइंटर लेंगे, इंटीजर पॉइंटर लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस एड्रेस को असाइन कर देंगे एरे के। बेस एड्रेस को असाइन करने का दो तरीका होता है, एक तो नॉर्मली जो हम वेरिएबल में असाइन करते हैं एम्परसेंट दे के वेरिएबल का नाम, ठीक है, एम्परसेंट दे के वेरिएबल का नाम, तो एम्परसेंट यहाँ पे वेरिएबल का क्या नाम है, ARR, और एम्परसेंट दिए हैं और एरे है चूंकि, तो एरे में क्या होता है एक्सेस, एरे में हम लोग असाइन करने के लिए बेस एड्रेस देते हैं और उसी के थ्रू हम लोग नेक्स्ट 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 को एक्सेस करते जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेस एड्रेस को असाइन किया। दूसरा तरीका ये भी है कि एरे के साथ क्या होता है, एरे का जो नाम होता है ना वो भी उसके बेस एड्रेस को ही दिखाता है, तो अगर आप डायरेक्ट ARR को असाइन कर दीजिए पी में, पी नहीं PTR में, PTR है क्योंकि यहाँ पे नाम, तो डायरेक्ट असाइन कर देंगे तो इससे क्या होगा, इसका बेस एड्रेस खुद ब खुद चला जाएगा, इतना एम्परसेंट लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास बेस एड्रेस इसमें स्टोर है एरे का। ठीक, अब हम लोग सेम चीज प्रिंट कराएंगे जो पिछले वाले प्रोग्राम में हम लोग देखे थे, फॉर लूप लगाए। ठीक, एक तो इंडेक्स है वही वाला आई है, ये 1 2 0 1 2 3 4 आई के हिसाब से चेंज होगा, और ये जो है परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ डी वही वैल्यू देगा, और यहाँ मेन देखने वाली बात ये थर्ड नहीं, ये भी तो देखने वाली है, परसेंट ऑफ डी वैल्यू देगा। अच्छा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंटर का में वैल्यू हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते, डी रिफ्रेंसिंग कैसे करते थे पॉइंटर का, पॉइंटर के पहले स्टार लगा देने से वो वैल्यू दे देता था, जिसका एड्रेस वो स्टोर कर रहा है उसका वो वैल्यू दे देता था, तो यहाँ हम लोग पॉइंटर में लगाए हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक सिर्फ डायरेक्ट पॉइंटर, डायरेक्ट पॉइंटर का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ डायरेक्ट एड्रेस प्रिंट करेगा, इसके पहले तो परसेंट, इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट ऑफ पी, और जब हम लोग को पॉइंटर से एड्रेस लेना होता है तो हम लोग क्या प्रिंट कराते थे पहले वाले प्रोग्राम सब में देखिएगा जाके, सिर्फ PTR, और अगर हम लोग को वैल्यू लेना हो तो स्टार PTR, उसमें जिसका वैल्यू वो स्टोर कर रहा है, उसका जिसका वैल्यू स्टोर कर रहा है मतलब जिसका वो एड्रेस रखा हुआ है, उस वैल्यू को अगर हम लोगों को जानना है तो हम लोग को स्टार PTR लेना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है मेरा PTR प्लस प्लस, मतलब पॉइंटर को अब एक आगे बढ़ा देंगे, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। जब मेरा वैल्यू जीरो था पहली बार जब लूप रन हो रहा है तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे जीरो है, पॉइंटर जीरो वाले नंबर पे पॉइंटर है। ठीक है, जो पॉइंटर मतलब बेस यही वाला पॉइंटर है अभी बस, तो ये क्या करेगा, बेस एड्रेस दे देगा, सॉरी बेस एड्रेस का वैल्यू दे देगा, तो बेस एड्रेस क्या है मेरा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पॉइंटर सिर्फ पॉइंटर है, इसका मतलब ये एड्रेस प्रिंट करेगा वन का, इसका बेस एड्रेस का मतलब जीरो नंबर इंडेक्स का वो एड्रेस प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या, ये वाला प्रिंट हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर एक एक बढ़ गया, तो ये वाला जो सेकेंड वाले लूप में क्या होगा, सेकेंड लूपिंग में पॉइंटर वाला जो है ये बन जाएगा पॉइंटर प्लस वन, दो बाइट आगे बढ़ गया। ठीक, ये वाला भी पॉइंटर प्लस वन बन गया। ठीक, अब देखिए जब दोबारा लूप रन होगा तो इसका तो वन वैल्यू हो ही जाएगा, और ये वाला जो पॉइंटर प्लस वन है तो ये दो बाइट आगे बढ़ जाएगा तो वन नंबर इंडेक्स में चला जाएगा। वन नंबर इंडेक्स में जाने के बाद क्योंकि इसमें वैल्यू प्रिंट कराना है, स्टार दिया हुआ है तो ये टू प्रिंट करेगा, और इसी तरह से ये पॉइंटर प्लस वन का एड्रेस प्रिंट करेगा तो ये वन का टू का एड्रेस प्रिंट करेगा, और इसी तरह से फिर पॉइंटर फिर से, अब पॉइंटर प्लस वन पे चला गया था, अब फिर से एक बार प्लस वन हो जाएगा तो वो पॉइंटर प्लस टू पे चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये दो नंबर इंडेक्स को एक्सेस करेगा, तीन नंबर को करेगा, और इसका आउटपुट जो होगा सेम वही वाला आउटपुट होगा जो आउटपुट हम लोग इसके पहले वाले प्रोग्राम में देखे थे, बस ये काम पॉइंटर के थ्रू किया गया। तो पिछले वाले प्रोग्राम को देखने से हम लोग क्या क्या चीज़ समझे, सबसे पहली बात जो कि डेटा टाइप पॉइंटर, जो कि डेटा टाइप मेरा पॉइंटर का है वही डेटा टाइप एरे का होना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर है और एरे भी मेरा इंटीजर है। ठीक, ये दूसरी बात कि एरे नेम के थ्रू हम लोग एरे नेम को पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए एरे नेम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरे नेम क्या बताए थे हम थोड़ी देर पहले, एरे नेम जो है वो बेस एड्रेस रखता है, जीरो नंबर इंडेक्स का एड्रेस रखता है। ठीक, तीसरी बात है कि और इस ये वाला बात, यही वाली बात लिखी हुई है यहाँ पे कि एरे का नाम इज सिमिलर,
टू एरे का एड्रेस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो आगे उसमें ऑपरेशन हुआ जो लूप में वो समझेंगे। पॉइंट सिर्फ पॉइंटर का मतलब क्या होता है, एड्रेस से सिर्फ पॉइंटर इज इक्वल टू, मतलब पीटीआर इज इक्वल टू एम परसेंट एरे इंडेक्स जीरो का मतलब क्या होता है कि पीटीआर में जो एड्रेस है वो एड्रेस जो सिमिलर होता है एरे जीरो इंडेक्स के एड्रेस के, ठीक है। एम परसेंट एरे वन का मतलब हुआ पॉइंटर प्लस वन, पॉइंटर में अगर हम लोग एक बढ़ा दे तो एम परसेंट वन का एड्रेस, एम परसेंट वन का एड्रेस पॉइंटर प्लस वन के एड्रेस के बराबर होता है, और एम परसेंट टू का एड्रेस पॉइंटर के एम परसेंट टू में जो एड्रेस होता है वो अगर पॉइंटर प्लस टू कर दे तो वो दोनों एड्रेस सेम होता है, ठीक। वैल्यू के केस में देखेंगे तो बेस एड्रेस में जो पीटीआर में अगर हम लोग वैल्यू देंगे तो वो जीरो नंबर इंडेक्स का वैल्यू देगा, पीटीआर प्लस वन में अगर हम लोग का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे डी डिफरेंसिंग करेंगे तो वो एरे वन का वैल्यू देगा, और पीटीआर प्लस टू में अगर हम लोग वैल्यू को डी डिफरेंस करेंगे तो वो एरे टू का वैल्यू देगा। तो ये देखें हम लोग, अब लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे।